बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी ये दुआ है, मेरे तमाम देखने वाले जहां भी रहे हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए सानिया पैदा करे और हमें दूसरों के लिए सानिया पैदा करने वाला बना दे। आमीन। इतनी ज़्यादा है घर से बाहर, हम लोग निकल नहीं रहे हैं सर्दी के डर के मारे। और आज मैंने सोचा कि हम लोग क्या घर में बोर टाइम गुजारते रहते हैं। आज मैंने अपने कपड़े चेंज किए हैं। एक मेरा रेड कलर का फ्रॉक था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। आज मैं स्टोर में से कपड़े सेट कर रही थी, वो मुझे नज़र आया तो अभी मैंने वो पहना है। तो मैंने कहा कि मैं ना आज थोड़ा सा तैयार होती हूँ और उसके बाद कुछ छोटी सी पार्टी करते हैं घर में बच्चों के साथ मिलके। और आज बच्चों के साथ मिलके थोड़ा सा मैंने प्ले भी करना है। कुमार लोगों को घर से बाहर नहीं जाने देते। शहरों में तो कोई इतना मसला नहीं होता, बच्चे घर में ही बाउंड रहते हैं। लेकिन गाँव के बच्चे जो है बाहर गलियों में बाज़ारों में खेलते हैं, टेंशन होती है ठंड ना लग जाए, मौसम ठीक नहीं है, इतने दिन से धूप तो निकली नहीं है। इसलिए इन्होंने अपने घर का जो हाल किया हुआ है ना, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो घर में किस तरह से खेल रहे हैं। सिर्फ इस चीज़ की टेंशन है कि बाहर जाएंगे तो मुझे फिक्र होगी कि ठंड ना लग जाए या क्या कर रहे हैं। घर में रहें, अगर कोई घर में मेहमान आ जाए तो फिर परेशानी होती है कि वो लोग क्या सोचेंगे कि सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। बाकी मैं सुबह से 2 से 3 दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करूं तो मेहमान आ जाते थे। अभी आयत फातिमा की टीचर जो है ना, वो आयत से मिलने के लिए आई हुई थी। आयत फातिमा जिनके पास पढ़ती थी तो वो भी गई हैं। तो मैंने कहा अभी मैं व्लॉग का आगाज़ कर लूं। तो हम लोग ना डॉल हाउस बना कर खेलने लगे हैं। और बाज़ुकात जब आप बच्चों के साथ प्ले करते हैं तो आपकी जो ज़िंदगी में तल्ख हकीकतें और टेंशन हैं आप उनको भूल जाते हो। आप लोग भी अपने बच्चों के साथ इन छुट्टियों में जो थोड़ी सी रह गई हैं, बाकी तो सारी गुजर गई हैं, ज़रूर खेलें, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कुमैल ने इतना प्यारा घर बनाया हुआ था, उसके बाद गेस्ट आ गए हैं तो मैं उधर बिजी हो गई हूँ। ये कुमैल ने अपना हाउस बनाया हुआ था, ये देखें, ये कुमैल ने अपना हाउस बनाया हुआ था और स्टोर की सारी चीज़ें उठा के लेकर आए हुए हैं। पीलो फाइट का कुमैल को इतना शौक है पीलो फाइट करने का। नो बेबी, चोट लगेगी। अच्छा जी, ये देखे इस पूरे कमरे का क्या हाल किया हुआ है। बुरी बात, रुक जाए अभी 2 मिनट। ये आयत ने अपना घर बनाया हुआ था। आयत बेचारी के घर का तो सामान ही बहुत थोड़ा है। ये सारे पिलोज़ कुमैल, बुरी बात ऐसे नहीं करो। अगर मैंने फिर आपके साथ खेलना भी नहीं है। ये चीजें उठाओ, ये लग जाएंगी किसी को। लाइट काफी देर से गई हुई है, आप लोगों ने ना अब फजूल में लाइट्स नहीं जलानी। ये शूज़ जो है ना, ये मैं इसलिए पहने रखती हूँ कि इसमें पाँव बड़े गर्म रहते हैं। अब या तो ये इसके साथ ये मैं ब्लैक वाला जूता डालूँ, बताओ मुझे आयत कौन सा अच्छा लगेगा, या तो ये ब्लैक या फिर ये वाला रेड। अभी आप बताओ कौन सा। कुमैल ने वोट किया रेड को। कुमैल कह रहा है रेड, ब्लैक। आयत कह रही है ब्लैक। अब बताओ, चलो कोई बात नहीं, आज भैया की बात मान लेते हैं। आज मेरा भी रेड को दिल कर रहा था, रेड को। हाँ, ये दूसरा भी लेके आया, उसका दूसरा पाँव कहाँ है? टिक 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 कैसे हो रही है इस जूते की? इसका वैसे ना हील थोड़ी छोटी है। थोड़ी देर किचन में काम करते हैं, पार्टी करते हैं, कुछ फ्राई करते हैं, तो क्या ख्याल है कुमैल? फ्रेंच फ्राइज बनाए, फ्रेंच फ्राइज बनाए कुमैल, या फिर पकौड़े? अच्छा, ये वो परांदा है भाई। देखिए गाइस, ये वो परांदा है, ये मेरी शादी का है, न्यू है बिल्कुल, और मैंने कभी यूज नहीं किया। और इसको मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, और आज मैं कुछ और ढूंढ रही थी तो ये मुझे मिल गया। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बाकी जो दूसरे मेरे पास थे ना, या तो वो बिल्कुल सिंपल थे ब्लैक वाले, और या फिर जो थे वो कलरफुल थे। और ये कितना अच्छा लग रहा है ना, डिसेंट सा कलर भी है। तो अब आज इसको मैं परांदा बांधती हूँ अभी थोड़ी भी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगा। कुमैल आपको कैसा लगा? अच्छा, अच्छा है ना। चले ठीक है। आई फातिमा, इधर मेरा हेयर ब्रश नहीं पड़ा हुआ, जाए हेयर ब्रश लेकर आई। और ये देखो डस्टबिन में इसको फेंक के। कुमैल मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी। हाँ, ये देखो, ये फ्रॉक मुझे मिल ही नहीं रहा था, आज का फिर से बाद मुझे मिला है। तो मैंने कहा हम लोग तो सर्दियों में इतना कहीं गए ही नहीं, ना हमने अपने अपने नए नए कपड़े डाले हैं, थैंक यू, ना हमने कपड़े पहने हैं, ना हमने जूते पहने। तो हम रोज घर में तैयार हो जाया करें, घरों में भी हम लोग बिस्तर की जान नहीं छोड़ते और हीटर के आगे बैठ रहते हैं। जो हीटर है ना, इसने तो हमें अपने साथ ऐसे ना चिपका हुआ है। आज तो आपने आपने शुक्र शुकंगी नहीं की, कैसी बनी हुई हो आप? हाँ, जब आपको कैब डालती ना तो फिर आप और जीप लगती। चले आयत फातिमा, कल मैं आपको भी परांदा डालूंगी। चलिए मैं डालूं।
ये काफी भारी है, बाकी जो है ना वो इतने भारी नहीं है। इसका ये वाला जो धागे का रहता है ना, ये भी मोटे हैं। चलो जी, आज ये टेंशन भी दूर होगी। जो भी मेरी बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, किस किस को परांदे का शौक है और किस किस को परांदा बांधना आता है, इसके साथ एक थ्रेड होता था जिसके साथ बंद करते थे, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। किसको परांदा नहीं बांधना आता वो भी मुझे बताइएगा, फिर आपको एक वीडियो में मैं सिखाऊंगी। कैसे आयत फातिमा? अच्छा। अच्छा जी, इसके साथ एक धागा होता है जिसके साथ इसको फोल्ड कर देते होते हैं ताकि ये ओपन नहीं हो। अब वो मुझे मिला नहीं था तो फिर मैंने इनमें से एक में से दूध को गुजार लिया, तो अब ये नहीं खुलेगा। कैसा है भाई? अच्छा। कैसा है जी? अच्छा। इसके साथ तो पिटाई भी की जा सकती है। देखो इसकी ये कितना ज्यादा ना बड़ा, ये देखो हवा भी आ रही है इसके। इसके साथ हीर जो है ना वो अपने रांझे को हवा देती होगी ऐसे ऐसे करके, है ना। काफी काम हो जाते हैं इससे। चले नानो को दिखाते हैं। अभी नानो को भी कह रही थी मेरा शायद कुछ चोरी करके ले गया या मेरा गुम हो गया। मैं कितना तैयार हो गया ना, अपनी सेल्फियाँ ले रही थी और हम लोग वीडियोस बना रहे थे, हम लोग इंजॉय कर रहे थे, एकदम से अम्मी आई हैं और खूब हमें डांटा है, इसलिए कि आज उनकी डिमांड है कि उनके लिए अदरक का सालन बनाया जाए। जी जनाब, तो ये सालन जो है ना बहुत कम लोग बनाते हैं, मे बी आप लोगों में से भी बनाते हों, जो लोग आप लोगों में से बनाते हैं या आप लोगों ने कभी खाया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं खाया नहीं बनाया तो आज मैं बनाने लगी हूँ। आप पूरी रेसिपी भी देखिएगा और उसके बाद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पर सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा होता है, गज़ाइत में भी होता है और मज़े का भी होता है, तो बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको भी कैसा लगा। अदरक बनाने के लिए अदरक को मैंने पील कर लिया है और इसमें मैं करूंगी ग्रैन। देखती हूँ, वैसे तो जब भी हम लोग बनाते हैं अदरक का सालन तो हम इसको कुंडी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आज इसमें कर रही हूँ, अगर तो ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दोबारा कर लूंगी। और इसमें मैंने एक कप पानी डाला है और प्याज डाल के इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं जाएगा। हंसते जरूरत जो हंडिया में मसाले डालते हैं, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक वगैरह छोड़ो। अदरक को मैंने इसमें चॉप करके रख लिया है और ये देखें कि 5 मिनट भी नहीं हुए और कैसे ये सॉफ्ट हो गया है। इसमें मैंने घी डाल दिया है, इसके बाद इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के अच्छी तरह से मसाला फ्राई कर लूँगी, हरी मिर्चें डालूंगी, फिर इसके बाद ये जो अदरक होगा इसको अच्छी तरह इसमें डाल के जैसे सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई करते हैं इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। और जो नानो है ना, एक चीज़ अभी मैं बना रही हूँ और नानी एक और डिमांड कर रही है कि मुझे आप पकौड़े भी बना के दें। ये क्या खा रही हैं आप? चने खा रही है नानो। रूम की लाइट ऑफ करो, वो देखो मेरे मेरे कमरे को जंगल बना के ये लड़का ना अब किचन पे अटैक कर दिया। और पता है इसने किचन में आके क्या किया है? वो मैंने रखा हुआ ना यहाँ पे कि मैंने कहा अगर चॉपर में अच्छे से अदरक चॉप नहीं होगा तो मैं इसमें कर लूंगी, और इस बच्चे ने ये अपनी ड्राइंग का कलर इसमें डाल के तो ये हल कर दिया। पता नहीं तो क्या चीज हो कुमैल, मेरी तो समझ से बाहर हो। ये नानी को हरा धनिया देते हैं, हरी मिर्ची और हरा धनिया जो नानी बना देती है। ये मेरी कैमरामैन है आयत फातिमा, को बहुत शौक है वीडियो बनाने का। आयत फातिमा कहती है मैंने वीडियो शूट करनी है, तो बाज़ूकात इससे ठीक तरह से होती नहीं है, इसलिए मैं कुमैल को कह देती हूँ। ये मेरी जान, मेरी बहुत हेल्प करती है। और ये बच्चा, ये शरारती बच्चा, इसको मैं बार बार कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ, अगर मैं किसी काम में बिजी हूँ तो इस बच्चे को बड़े तरले करने पड़ते हैं। देखिए गौर से देखिए इस बच्चे को, इस मासूम शक्ल वाले बच्चे को, ये बहुत शैतानी बच्चा है, ये बहुत ही जाना बच्चा मेरा। ये एक कप दूध मैंने ले लिया है क्योंकि हम थोड़े से लोग हैं तो एक कप दूध का हमारे लिए काफ़ी है। और ये अदरक, ये हरी मिर्चें और धनिया, और 5 मिनट में हो जाएगा तैयार। और ये हील वाला जूता डाल के, जो मैं किचन में आ गई हूँ, इसकी इतनी हील तो नहीं है लेकिन फिर भी जब मैं खड़ी हूँ ना तो मेरे पाँव आगे से टाइट हो रहे हैं। आप लोग ना चाहे तैयार हो जाया करें लेकिन हील वाले जूते डाल के मेरी तरह ना किचन में आइएगा। स्टार्ट हो गई। ओके, मेरी फातिमा को सब चीजें आ जाएंगी तो फिर मुझे तुम्हें
नया जैसे बच्चे को तरली नहीं करनी पड़ेगी। अब किसी भी में मुझे सुकून नहीं मिल रहा, तो हस्बे जायका या हस्बे जरूरत में इसमें डाल दूंगी ग्रीन हल्दी पाउडर, इसमें 2-3 चम्मच आए हुए हैं, और नमक। सब चीजें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। कुछ घरों में कम या ज्यादा दिखाया जाता है। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा इसमें डालूंगी, क्योंकि इसमें मैंने ब्लैक पेपर भी डाले हैं, और हरी मिर्च भी डालनी है। कभी तो मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं जल्दी से जाके जूता चेंज करा रहा हूँ, मुझे टाइट हो रहा है आगे से। आए फातिमा, जैसे वो टीवी शोज भी नहीं आते किचन में, कुकिंग शो जब वो करते हैं तो अच्छे से तैयार होके आती है ना जी। तशरीफ ले आए कुमैल, मैं देखे आज पापा सही वीडियो बना रही है, चेक करें। इसको अच्छी तरह से मसाले को भून के उसके बाद इसमें अदरक डालती हूँ, सही बना रही है। चले अभी क्लोज कर दो। जब हम जी तो इसमें मैंने अदरक डाल दी है, अब इसमें मैं ब्लैक पाउडर डाल दूंगी, काली मिर्च डालूंगी और हरी मिर्चें डालूंगी। इसको बहुत अच्छे से हम भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। आज मुझे जल्दी थी, मैंने चॉपर में अदरक को बनाया है, लेकिन सबसे अच्छा यही होता है कि आप इसको खूंटी में अच्छे से चॉप करें। ये जितना अच्छी फॉर्म में मुझे चाहिए था, आज जल्दी वजह से इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं हुआ, इसको और बढ़िया होना चाहिए था। तो बैल बेटा मुझे पानी तो दो, मुझे प्यास लगी मेरी जान। ये देखिए ब्लैक पेपर कहाँ है, क्या कमाल की खुशबू आ रही है। देखिए मैंने ब्लैक पेपर भी इसमें डाल दी है और हरी मिर्च भी, लाल अदरक की जो खुशबू आ रही है ना। आज मैंने ये वीडियो अपलोड करनी है, जो भी देखे इस वीडियो को कल लाजमी बनाएं, और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और जो लोग पहले भी बनाते हैं, अगर आप लोगों ने काफ़ी दिन से नहीं बनाया हुआ तो बनाएं जी और खाइए। और एक और चीज़ भी आपने करनी है, जिस तरह मैंने लाल रंग का सूट डाल के अपने किचन में आई हूँ, हील वाला जूता डाल के, रेड लिपस्टिक लगा के, इस तरह से आप भी बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जाना देखो कितनी अच्छी खुशबू है माशाल्लाह से, और इसकी लुक देखो कितनी अच्छी है, वाह। अच्छा इधर देखे मेरी तरफ कैमरा करे मैम। अच्छा कुछ लोग जो है ना वो इस फॉर्म में ना इसमें अंडा डालते हैं, इसमें अंडा डाल के उसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई करके और इसी फॉर्म में खा लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। जिसको सर्दी लगी हो, जुकाम बुखार हो, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और इसी तरह भुना हुआ भी आप खा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो बनाते हैं हमारी रेसिपी में, जब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे दूध। ये देखिए इसमें डाल देंगे दूध, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दूध डालने के बाद इसको पकने के लिए हम रख देंगे। जब इसको 1-2 बॉयल आ जाएंगे, उसके बाद हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे, और फिर अपने क्या आपने कितना इसको थिक करना है उसके मुताबिक आप उसके बाद फिर आप इसके ऊपर लास्ट पे हरा धनिया छिड़क के, तो आपका तैयार। इतनी आसान सी रेसिपी है जी। तो ये पकने लग गया था, अब मैंने क्या किया है कि इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है और इसको हल्की आँच पर मैं रख दूँगी, उसके बाद मेरा खाना बिल्कुल रेडी। अब मैं चेक करती हूँ, तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको माशाल्लाह से ये पक के। अब क्या करें, आटा तो गूंदने वाला है, मुझे आटा गूंदना बहुत ही मुश्किल लगता है। ये देखिए इतना ठीक है, इसमें डिप कर करके डुबकियाँ ले के रोटियाँ खाएगी ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। ये रही फाइनल लुक हमारे आज के सालन की।